जी, मेरा मतलब रिया भाभी। जी, रिया भाभी? मैं बच्चों को छोड़ने आई थी। लेकिन वो तो रिया का काम है, वो कहाँ है? वो तो चली गई। कहाँ? हेलो डॉक्टर सुजाता, मैं रिया कौशिक बोल रही हूँ। जी वो सॉरी, आपका कॉल मिस हो गया था। मेरा अबॉर्शन का अपॉइंटमेंट 9 बजे का है ना? नहीं नहीं, मैं 8 बजे ही पहुँच जाऊंगी। नकली क्या हुआ? वो आती भैया, गुड़िया की नोटबुक में ना रिमार्क आया था, इसलिए भाभी को स्कूल जाना पड़ा। मैं भी जा रही हूँ, वो प्रेग्नेंट है ना, अकेले गई है और ये ठीक नहीं है। नवली, तुम्हें रिया के साथ निकल जाना चाहिए था ना। हाँ भैया, मुझे देर होगी, बस निकलती हूँ। वो खाने में क्या बनाए हमासा? कहाँ गई नवली? देखिए नमासा, अपना काम और अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़कर बच्चों के स्कूल चली गई। अच्छा ठीक है, ऐसा करना, तुम गाजर मटर की सब्जी बना लेना और मूंग की दाल। पुदीने का ना रस बना के दे दीजिए। क्यों, क्या हुआ? आपके पेट में दर्द है? मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा, जी निम्मी देवी के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। नर्स, इन्हें चेंज करवा के अंदर रोटी मिल ली जाइए। एक्सक्यूज मी मैम, रिया कौशिक कौन से रूम में है? जी इस तरफ, रूम नंबर 5। मैं माँ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। सुनो, ये रिया कौशिक कहाँ पर है? उन्हें भी ओटी में ले गए। ओटी कहाँ पर है? सामने वाली ओटी में। ठीक है जी, मैं टैक्सी लेकर के आता हूँ। पर भाभी साहब कौन से अस्पताल जाएंगे? सुजाता अस्पताल। लवली, क्या आप इसे जानते हैं? मैं नहीं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तुम यहाँ, तुमने डॉक्टर का कोट क्यों पहना हुआ है? मुझ तक पहुँचने के लिए आप बस चलिए। लुक मिस कौशिक, को जो भी डिसाइड करना है जल्दी कीजिए। जी मैडम जी, वो मिसेज राठौड़ कहाँ बैठती है? और जी मेरी निम्मी देव जी के पेट में ना बड़ी जोर से दर्द हो रहा है। हाँ जी, यहाँ से दूसरा कह दी। ये क्या तमाशा है लवली? तुम क्या चाहती थी कि मैं सबको घर पे बता के आती कि मैं यहाँ अबॉर्शन कराने आ रही हूँ और वो मुझे आने देते ना? अब ये सब कर क्यों रही है? क्योंकि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अब चलो यहाँ से और घर जाओ। भाभी रुकिए, तुम दोनों यहाँ? भाभी का चेकअप करवाने के लिए आए थे, मुझे लगा कि मैं उन्हें कंपनी दे दूं और इसके बाद स्कूल चले जाऊंगी, तो बस साथ में आ गई। सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अगर सब ठीक है तो चलो हमारे साथ ही घर चलो, आओ। हाँ चलो जी, चलो। चलिए भाभी। मिसेस रिया कौशिक, अगर आपको एबॉर्शन नहीं करवाना था तो कम से कम मुझे बताकर तो जाइए। ये आप क्या कह रहे हैं, हम तो यहाँ पे सिर्फ चेकअप के लिए आए थे। हाँ पर उस किस पेपर में तो वो लिखने में कुछ गलती हुई होगी, हम लोग यहाँ पे बस चेकअप के लिए तो आए थे। ओहो, तो शायद कोई गलती हो गई होगी। लेट मी चेक। आप चेक कर लीजिए, अगली बार से ना हम चेकअप के लिए यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगे। यहाँ के लोग बहुत केयरलेस हैं, है ना? तुम सब लोग एक साथ? मासा, ये लोग हमें अस्पताल में ही मिल गए थे। पर तुम दोनों तो स्कूल गई थी ना? हाँ स्कूल तो गए थे, लेकिन वहाँ पे रिया भाभी को डॉक्टर का फोन आ गया चेकअप के लिए, इसलिए हम लोग डायरेक्टली हॉस्पिटल चले गए। अरे बिंदनी, तू कहाँ जा रही है? तो मैं फ्रेश होके आती। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मेरी प्रॉब्लम क्या है तुम अच्छी तरह जानते हो, और मैं उसी को सॉल्व करने हॉस्पिटल गई थी। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ये बच्चा गिराने वाली हूँ, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ये बच्चा चाहिए। डजंट मैटर, क्योंकि माँ मुझे बनना है। ये इमोशनल ड्रामा अपने पास ही रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है। आदि भैया, आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। भैया मैं जानती हूँ ये आपका पर्सनल मैटर है और मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो फिर क्यों कर रही? इतनी बात कहा है कि मेरी लाइफ से दूर रहना, जाओ यहाँ से। भाभी मेरी बात तो सुनिए। एक और लव्स दे। कौशिक की 5 बहू